हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबका टॉपर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये एक कहानी यह भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखित, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको पिछले वाली वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, उसमें फर्स्ट पार्ट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब आपके लिए जो है वो किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने उनका मन्नू भंडारी का डिस्क्रिप्शन, उनकी फ़ोटो का डिस्कशन, साथ में ये पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ हर बार की, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा उनके व्यक्तित्व को समझना, हर चीज़ को जो आपको समझना है कैरेक्टर के लिए, स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, सब कुछ का एक जो शॉर्ट समराइज वे में रहता है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना होता है। पिछले वाली पार्ट में ये हो चुका है, तो जिन्होंने पिछले वाले पार्ट को नहीं देखा है वो बहुत लॉस में चल रहे हैं, ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये तुम्हें अगर अच्छे से समझा रखा है मैंने, अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाता है तो एक चैप्टर का आउटलाइन तुमको मिल जाता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में तो हम फिर डिटेल में तो हम लोग फिर स्टडी कर ही रहे हैं। एक कहानी यह भी फर्स्ट पेज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसमें हमने देखा उनके पिताजी का किस प्रकार का व्यक्तित्व था। अगर लिखने के लिए आता है तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने पिताजी के बारे में बताया कि वो शक्की थे, शक्की स्वभाव के थे, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने बता रखी है, ठीक है। और मैं जैसे कि हमारा ये चलता है कि मैं हर एक उसमें आपको पहले बता देती हूँ थोड़ा सा कि हमारी बुक, हमारी जो श्रुतिज बुक है उसका काव्यखंड के सारे कविताएँ आपको अवेलेबल है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर, साथ ही साथ में गद्यखंड की इससे पहले की सारी के सारे जो चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। उनके साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिगनिंग में ही और किसी किसी के एंड में भी एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है मैंने, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक में आपको एक पीछे चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे जल्दी जल्दी कमेंट आपको उसमें करना है, जो जब देख रहा है उसको तो उसको ज़रूर आप उन क्वेश्चंस को एक बार देख लें, उनको कमेंट करें, ठीक है। और वो बिगनिंग में ही रहते हैं ताकि आप इजीली कमेंट कर पाएँ, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि लाइक करो, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें भी बनाने में टाइम लग रहा है वो हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ा सपोर्ट करते हुए आप लाइक कर दो वीडियोज़ को और सब्सक्राइब भी करो उस चैनल को, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमारे साथ आप जुड़े रहो, मैं तो यही चाहती हूँ आप सबसे। और साथ में देखो, अब हम एक कहानी यह भी पढ़ेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट का हमने बता दिया हमने क्या सब पढ़ रखा है, सेकंड पार्ट में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो मेरा हर बार का एक वो रहा है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ हर बार जो मैंने पीछे पढ़ाया है, तो उस तरह से इस बार जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मैं पूछूंगी मन्नू भंडारी के पिताजी से रिलेटेड, आप उनके स्वभाव से रिलेटेड कोई भी एक जो है नेचर उनका बता दीजिए। बहुत सारे वर्ड्स हमने इसमें पढ़े हैं, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, तो आपको जो वर्ड समझ आ रहा है या नहीं तो आप इसमें से पढ़ के, इस पेज को मैंने पढ़ा रखा है पिछले वाली वीडियो को, उसको भी देख सकते हैं आप। कोई भी एक वर्ड आपको मैं सेंड करना है जो उनके पिताजी को डिस्क्राइब करता है, और आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने अलग अलग वर्ड्स इसमें भी पढ़े हैं, शक्की और ये सारे वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स हमने पढ़े ना कि वो शक्की स्वभाव के थे, और भी बहुत कुछ हमने पढ़ रखा है, तो आपको ये मुझे सेंड करना है। मैं चाहती हूँ सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस तुम्हारा कमेंट आए, तुम जिस भी दिन देख रहे हो उसी समय उसी मोमेंट पर कमेंट करो, यानी कि इसी मोमेंट पर कमेंट करो जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हमने जहाँ तक पढ़ लिया उसके आगे स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा पीछे का रिकैप करते हैं। मन्नू भंडारी जो है वो अपने पिताजी के बारे में बता रही है कि वो पहले कहाँ रहते थे, अजमेर की बात कर रही है, इंदौर और अजमेर, इन दो की हमने वो पढ़ी है कि वो इंदौर और अजमेर की बात हो रही है, कि वो अजमेर में जो है ब्रह्मापुरी मोहल्ले में रहती थी, ये वो बता रही थी। और पहले जो है उनके पिताजी इंदौर में रहते थे, लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, विषयवार तैयार किया था, यानी कि डिक्शनरी तैयार की थी, लेकिन इससे उन्हें बहुत यश और प्रतिष्ठा मिली थी, लेकिन उनको बिल्कुल भी अर्थ नहीं मिला था, यानी कि जो उनके पैसे थे, उनको जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें अर्थ यानी कि पैसे की ज़रूरत होना, तो पैसे नहीं मिल पाए, तो काफ़ी ज़्यादा जो है संकट में चल रहे थे, और साथ ही साथ उनके साथ आत्मघात हुआ था, आत्मविश्वास जो था उनके साथ वो उनका अपनों लोगों ने ही जो है तोड़ लिया था, तो उसलिए वो कह रहे हैं कि उनके साथ आत्मघात भी हुआ था, तो ये बताया जा रहा है इसमें। तो ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था, विश्वासघात के बारे में पढ़ लिया था, और अब हम आगे बढ़ते हैं। पितृयानी होता है पिताजी से रिलेटेड, तो मैं बताते जाऊँगी आपको वर्ड्स भी, और हम स्टार्ट करते हैं अब इसे। चलिए, परिह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ, मन्नू भंडारी बता रही हैं कि मुझे उनका गौरव गान करना है, गौरव गान यानी कि वो काफ़ी ब्रेव हैं, इस तरह का कोई गान तो ये कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व यानी कि उनका जो कैरेक्टर था कि कौन सी खूबी और खामियाँ, खूबी मतलब कि जो अच्छी चीज़ें जो मेरे अंदर आई, और खामियाँ यानी जो बुरी चीज़ें मेरे अंदर आई, ठीक है, मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे
कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है। तो वो ये देखना चाहती थी कि पिताजी का कौन कौन से व्यक्तित्व के कौन कौन से पड़ाव मेरे अंदर आए हैं, है ना, उनकी क्या खूबी मेरे अंदर आ गई है, क्या खामियाँ मेरे अंदर, क्योंकि उनकी बेटी थी ना इसलिए वो ऐसा बता रही है। मैं काली हूँ, उनका कैरेक्टर देखते जाइए, मैं काली हूँ बचपन से दुबली और मरियल, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने अगर उनको डिस्क्राइब करने के लिए आता है मन्नू भंडारी को, ठीक है, दुबली और मरियल हैं, वो काली हैं, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, यानी कि उनके पिताजी गोरा रंग पसंद करते थे। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है कि गोरी हैं हंसमुख हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, 2 साल बड़ी है सुशीला से हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। तो हुआ क्या कि सुशीला और मन्नू भंडारी में हमेशा सुशीला की प्रशंसा होती थी, जिससे मन्नू भंडारी के मन में एक भावना पैदा हो गई थी। होता है ना, अगर हमारी प्रशंसा ना हो, हमें दूसरे की हमारे सामने प्रशंसा होती है, तो हमारे मन में भी एक बहुत हीन भावना जो है वो पैदा हो जाती है। तो वही वो कह रही है कि उनके मन में भी एक बहुत ज़्यादा हीन भावना जो है वो पैदा हो गई थी कि नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई, कि उस चीज़ से वो आज तक उबर नहीं पाई, इस प्रकार की भावना, यानी कि भावना कौन सी भावना कि मैं बुरी हूँ, इस प्रकार की जो भावना है वो जो पैदा हुई उनके अंदर कि मैं काली हूँ, मरियल हूँ, दुबली हूँ, तो वो काफ़ी समय तक उनके मन से जा ना सकी। आज भी परिचय करवाते समय, आज वो बहुत बड़ी लेखिका बन चुकी हैं, तो वो कह रही हैं कि आज भी जब मैं अपना किसी के सामने परिचय देती हूँ, जब कोई मुझ कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है और कोई जब मेरी तारीफ करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने गड़ने हो ही आती हूँ। यानी कि क्या कहने कि गड़ने गड़ने को ही आती हूँ, मतलब मैं सोचने लग जाती हूँ अपने बारे में कि यार मैं तो काली हूँ, दुबली पतली हूँ, तो इस तरह से वो सोचने लग जाती है अपने मन में, क्योंकि अभी भी उनके मन में उस प्रकार की भावना जीवित है जो बहुत पिताजी की प्रशंसा करने के कारण जो है उनके मन में आ गई थी। शायद अचेतन की किसी परत में, परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। तो उनको अगर कोई भी उपलब्धि होती है, कोई उनका सक्सेस होता है, तो वो उस चीज़ पर यकीन ही नहीं करती, क्योंकि उनके मन में यही बात है कि नहीं, मैं तो, मेरे से अच्छी तो सुशीला है, इस प्रकार के जो है उनके पिताजी ने क्योंकि उनके अंदर ऐसा कर दिया है भावना, तो उस प्रकार से वो सोचती हैं। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, यानी कि सब कुछ सारी चीज़ें जो है ना उनको तुक्का लगती है कि यार ये तो मैंने कुछ, ये तो तुक्का हो गया, बस मुझे आता थोड़ा है। तो ऐसा उनको इसलिए लग रहा है कि उनके पिताजी के सिर्फ सुशीला के प्रशंसा करने के कारण उनके मन में हीन भावना जो है वो पैदा हो गई है। पिताजी के इस जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। तो वो भी ये सोचते हैं कि मैं भी, जो ये तुक्का वाली बात है ना, कि कहीं ना कहीं पिताजी के शक की स्वभाव ही मेरे अंदर आ गया है कि मैं भी सबको शक की, मतलब अपनी उपलब्धि को भी शक की ही निगाहों से देख रही हूँ कि नहीं यार ये मैंने नहीं किया, इस प्रकार से सोच रही हूँ। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। तो ये क्या कह रही, कौन सा शक है जो अपनों के हाथों विश्वासघात के कारण पैदा हुआ है। हमने पढ़ा था ना ऊपर भी कि उनके साथ क्या हो गया था, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लो, तब तुमको समझ आ जाएगा कि कौन सा विश्वासघात हुआ था। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी ना किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। अब इस लाइन को मैं समझा देती हूँ, टक्कर किस बात की होती है। देखो होता क्या है कि उनके पिताजी ना बहुत वैसे थे, दोनों तरह से सोचते थे। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कोमल संवेदनशील भी थे और अहमवादी भी थे, ऊपर पढ़ रखा है हमने पिछले वाली वीडियो में, अच्छे से बता रखा है क्या मतलब था इसका। वो एक जगह तो ये चाहते थे कि उनकी बेटी का बहुत प्रोग्रेस भी हो, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ना, तो मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफली जो है शॉर्ट, मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज में बता देती हूँ ताकि तुमको समझ आ जाए कि मैं क्या, ये टक्कर किस बात की हो रही है। देखो था क्या कि उनके जो पिताजी थे ना, वो चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वो काफ़ी आगे बढ़े, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी घर संभाले, करे वो करे, जो बेसिकली उस ज़माने के टाइम में सब चीज़ चलती थी। 1947 से भी पहले की बातें बता रही हूँ, क्योंकि 47 उनके एंड का है, जब हम देखेंगे 1947 जो आएगा वो बिल्कुल एंड में है स्टोरी के, तो ये उससे भी पहले की बातें आपको बता रही हैं। तो वो यही कह रही हैं कि टक्कर चलती रहती थी, तो कितने रूपों में मेरे में मुझ में है, तो वही वो कह रही हैं कि वो टक्कर होती थी। क्योंकि पिताजी तो अच्छा चाहते थे कि काफ़ी प्रोग्रेस भी करे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जाए, बहुत बड़ी इंसान बने, कुछ अलग करे दुनिया से हटकर, समाज से हटकर, लेकिन जो लड़की थी उनकी वो भी ये सब चाहती थी, लेकिन वे अलग था। उनके पिताजी चाहते थे कि घर में रहकर ही सीखे पले बड़े, ज़्यादा
मतलब बाहर ना घूमे फिरे इस तरह से वो सोचते थे, मतलब उस समय की जैसी सोच होती थी। लेकिन जो उनकी बेटी थी वो भी वही प्रोग्रेस करना चाहती थी, पर उनके अंदर क्या चीज़ थी कि मुझे बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, आंदोलन करने हैं, इस प्रकार से सोचती थी। तो इस कारण इनके बीच में हमेशा कहीं ना कहीं टक्कर चलती रहती थी। तो इसकी एक स्टोरी भी हम अभी पढ़ेंगे जो उनके स्कूल में हुई है, मतलब उनके कॉलेज में हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं, उनके पिताजी। कहीं कुंठाओं के रूप में, कुंठाओं यानी कि जो हमारे मन में कोई एक बात होती है उसे कुंठा कहते हैं, जो हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमारे मन में ही दबी रहती है उसे हम कुंठा कहते हैं, ठीक है। तो कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिक्रिया यानी कि हमारा क्या रिएक्शन है उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी चीज़ पर जो हमारी रिएक्शन होता है उसी को हिंदी में हम प्रतिक्रिया कहते हैं, प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिक्षाया के रूप में। तो ये वो बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है मेरे अंदर मेरे पिताजी की जो चीज़ें हैं वो आई हुई हैं। केवल भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उन, अच्छा देखो इस लाइन को अच्छे समझ लो। केवल भारी भिन्नता के आधार पर, बाहरी भिन्नता यानी कि बाहर से अलग होना, देखने में अलग होना, अपेरेंस जब हम उसका देखेंगे तो डिफरेंट होना, उसके आधार पर यानी कि उसको बेस मानते हुए अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले बहुत लोग हैं। अपनी परंपरा को नकार देते हैं, अपनी पीढ़ियों को नकार देते हैं। जैसे कि हम इंडियन हैं, अगर हमने वेस्टर्न स्टाइल में कपड़े पहन लिए तो हम अपनी परंपरा को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारी पीढ़ी, हम कौन सी पीढ़ी, हम इंडियन, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हम कैसे लोग पहले थे, इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश हिंदी मिक्स क्योंकि समझ में आता, ठीक है। तो केवल बाहरी भिन्नता को देख कर, यानी कि हमने बाहर से कुछ भी अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया है, हेयर स्मॉल कट कर दिया, मतलब सब कुछ चेंज कर लिया हमने, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी परंपरा, हमारी पीढ़ियों को हम नकारने लग जाते हैं कि नहीं नहीं वी आर वेस्टर्न पीपल या वी आर समथिंग डिफरेंट, हम ये सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता, वही कह रही है उन पर व्यंग्य एक तरह से कि उन लोगों को कहीं इस चीज़ का एहसास नहीं होता उस प्रकार के लोगों को कि उनका आसन्न अतीत, आसन्न अतीत यानी कि जो उनका बिल्कुल ट्रुथ वाला जो सच्चा उनका जो पास्ट है, उनको तो पता ही है ना कि हमारा पास्ट क्या है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है, यानी कि उनका जो अतीत है, उनका जो भूतकाल है वो उनके साथ रहता ही है। चाहे भले ही वो नकार दे अपनी परंपरा को, अपनी पीढ़ियों को, सब कुछ वो नकार दे, पर उनके अंदर वो चीज़ हमेशा रहती ही है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में भाग कर ले जाए, क्या बता रही हूँ कि जो समय है उसके साथ साथ भले ही हम चेंज हो जाएं, मॉडर्न हो जाएं या हम वेस्टर्न हो जाएं, कुछ भी चेंज हो जाएं, वो अलग जगह हमें लेकर चले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, स्थिति के कारण हमारी क्या सरकमस्टांसेज है, क्या सिचुएशंस है हमारी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण भले ही हम अपने आप को चेंज कर दें, वो कह रही है रूप बदल दें हम अपना, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। किससे? अपने परंपराओं से, अपनी पीढ़ियों से, अपने आसन्न अतीत से, उन चीज़ों से हमें फिर भी वो चीज़ हमें अलग हम नहीं होते। चाहे हम कितना भी अपने आप को जो है बाहर से चेंज कर लें, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारा भूतकाल, हमारा अतीत जो है वो रहता ही है, ठीक है। जो आसन्न अतीत होता है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहता है, ये वो बता रहे हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। अब देखो माता के बारे में, माता के कैरेक्टर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से समझ लो, आता है क्वेश्चन तो यहाँ पे क्यों कर लो, क्यों लिख दो, क्वेश्चन आता है इस पैरा से। पिता के ठीक विपरीत, बिल्कुल पिताजी जैसे थे उनसे बिल्कुल अपोजिट थी उनकी माँ। देखो धरती से कुछ ज़्यादा ही, देखो एक तो धैर्यवान थी और सहन शक्ति थी उनमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। पिताजी की हर ज्यादती मतलब अत्याचार को अपना प्रायः और बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश और इज्जत को अपना फ़र्ज़ समझकर, पिताजी की हर तरह की ज़्यादती को सहती थी, ये बता रहे हूँ। बच्चों की हर उचित फरमाइश, अनुचित फरमाइश, डिमांड्स जो होती थी, ज़िद्द जो होती थी बच्चों की, उनको अपना फ़र्ज़ मानती थी वो, बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे, उनको अपना फ़र्ज़ मानती थी कि बच्चे जो भी मांगते थे वो उनको देती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया, मतलब सबको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करती थी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी। तो ये सब आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, रीड कर, मैं पूरा हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके इसे रीड करते जाओ ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। करती थी वे, उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों को सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा, माँ के साथ था। सहानुभूति यानी कि उनके लिए सिंपैथी थी उनके मन में भाई बहनों का, और उनका पूरा लगाव अपने माता के साथ था, पिताजी के साथ उतना लगाव इन लोगों का, बच्चों का नहीं था। लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, उनका जो त्याग था उनकी माता का, कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, आदर्श यानी मैं कभी उस चीज़ से इंस्पायर नहीं हो सकी, उनके त्याग से मैं कभी भी जो है इंस्पायर नहीं हो सकी,
ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है कि अगर आपको कोई परेशान करे तो आप उसको भी परेशान करने लग जाओ, ऐसा ना करो, ये असहिष्णुता है। ठीक है, कोई अगर आपको जैसे परेशान भी करता है तो आप उसको परेशान मत करो। तो वही कह रहे हैं कि इस तरह की सहिष्णुता, उनका त्याग, ये सब चीज़ें जो है मेरे अंदर कभी नहीं आ पाई, मैंने अपनी माता से ये सब चीज़ें कभी नहीं सीखी। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब मन्नु भंडारी का डिस्क्रिप्शन आएगा कि वो 5 भाई बहन हैं उनके, और उसमें वो बताएंगी कि कैसे कैसे है इसमें और हमें कितना पढ़ना है। शीला अग्रवाल जी का डिस्क्रिप्शन तक पढ़ लेते हैं, लंबा थोड़ा वीडियो जाएगा, चैप्टर ही लंबा है, 3 से छोटा कम पार्ट करूँगी तो फिर तुम्हें कहानी में भी कैसे मज़ा आएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 5 भाई बहन, ठीक है 5 भाई बहन हैं, उनमें सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, देखो ये 7 साल वाला तुम ऐसे याद रख लेना, वैसे तुमने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, एक भोली चैप्टर भी है तुम्हारा, ठीक है इंग्लिश में, ठीक है वो भोली चैप्टर में भी 7 ईयर्स में उनकी, उसकी सबसे बड़ी, उसकी जो एक बहन होती है उसकी शादी हो जाती है जब वो 7 ईयर्स की होती है, और उसी साल उसके यहाँ प्राइमरी स्कूल भी खुलता है, पता नहीं तुमको याद होगा, मुझको याद है। ठीक है तो वो चीज़ उससे भी तुम लिंक करके इसको याद कर सकते हो कि दोनों ही केस में 7 साल की रह चुकी है लड़की, ठीक है उसमें भोली रहती है और इसमें जो है मनु भंडारी है, और सुशील, और उसकी एक धुंधली सी याद आज भी मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल, अब कौन कौन से खेल खेलते थे, एक दो के नाम याद रख लो, सतौलिया, लंगड़ी टांग तो तुम्हें याद ही रहेगी, पकड़म पकड़ाई भी याद रहेगी, काली टीलो, इस प्रकार के वो खेल खेलते थे। तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ, यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया, ये सब प्रकार के काम वो करते थे खेलने में, ठीक है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा दो, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्योंकि अब मैं बता देती हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ही आता है कि पड़ोस कल्चर, पड़ोस कल्चर के बारे में पूछते हैं किस प्रकार से भिन्न है। पहले क्या होता था कि पड़ोस, यानी कि अगर हम अपने घर में खेल रहे हैं, यानी कि अपने आसपास के जितने भी 10-15 घर हैं, पूरा मोहल्ला जो है वो एक घर ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप क्या हो रहा है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात नहीं कर रहा, मतलब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा लोगों के नैरो माइंडनेस को हम देखते हैं, कैसे लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने में रहने लग गए, अब तो उस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत कम हो गई हैं। और जब हम बात करते हैं बड़े शहरों की तो ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है, गाँव वगैरह में अभी भी ये चीज़ है कि लोग अड़ोस पड़ोस को एक ही चीज़ मानते हैं, पर अब बड़े शहरों में ये चीज़ें नहीं होती। तो वही वो पड़ोस कल्चर की बात कर रहे हैं कि अब उसमें बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, हमारे घर के पड़ोस में हमारे चाचा का घर, उसके पड़ोस में हमारे किसी और का घर, मतलब अपने ही रिलेशन के लोग ज़्यादातर एक मोहल्ले में रहते थे, लेकिन अब वो चीज़ भी नहीं, अब तो कोई विदेश में रहता है, कोई कहीं रहता है। तो ये बता रहे हो कि किस प्रकार से पड़ोस कल्चर में चेंजेस आए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने समझा दिया, अब यहाँ पढ़ते हैं हम क्या बता रही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर था कि हम उस ज़माने में घर की दीवारें तक, घर तक ही सीमित नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे, ये वो बतानी है, ठीक है। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने, है ना, खुद जीने के जो ये आधुनिकता आई है उससे बता रही है वो, कि इतना लोगों के अंदर हो गया कि हम अपनी जीवन को खुद ही जी सकते हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की जो सोच आ गई है लोगों के अंदर, महानगरों, बड़े बड़े नगरों के फ्लैट में रहने वाले इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित, संकुचित मतलब वही नैरो हो जाना बहुत ज़्यादा, असहाय हो जाना, है ना, कोई सहारा नहीं होगा, असुरक्षित हो जाना, जब हम अकेले रहते तो हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा पे भी हमारे क्वेश्चन मार्क आता होता है, ठीक है। मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले से, यहाँ से आपको याद रखना पड़ोस कल्चर में क्या चेंजेस आए, और दूसरा हम कैसे मानते हैं कि मन्नू भंडारी अपने पड़ोस कल्चर से जुड़ी हुई थी, देखो किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे देखो वो बता रही है कि पहले जितनी भी उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, एक दर्जन लगभग कहानियाँ जो है उनकी, उन कहानियों में उन्होंने सारे पात्र जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो अपने अपने ही मोहल्ले के लोगों को लिखे हैं, और अपने घर से ज़्यादा लोग उनके मोहल्ले के उन कैरेक्टर्स में हैं, उनको ज़्यादा, और वो जब किसी को लिखती हैं, अभी एक व्यक्ति का नाम लेंगी वो नीचे देखना, तो उनके बारे में बताएंगी कि वो जब उनको लिखती थी तो वो बहुत टाइम हो गया था उनसे मिले हुए, लेकिन जब वो उनको लिखने बैठी तो उनको अपने आप याद आता गया कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो इस प्रकार से था उनका पड़ोस, इतना उनको अपने पड़ोस के बारे में पता था, उनको याद आता था, ठीक है। अब देखो, मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। तो बता दी मेरे परिवार से ज़्यादा मैं अपने मोहल्ले से ही जुड़ी हुई थी।
बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, यानी कि उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनकी भाषा, उनकी जो भी चीज़ें थी वो सब अभी नहीं भूली थी वो, जबकि बहुत अंतराल हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल आ गया था उनको मिले हुए, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए, मतलब उनके लेखन में उतरते चले गए। उसी समय के दासावा ये व्यक्ति की बात करती मैं, इनकी बात करेंगी वो, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद, यानी कि उन्होंने महाभोज जब लिखी तो उसमें वो इतने वर्षों के बाद ऐसे जीवित हो उठे, मतलब उनका कैरेक्टर जब वो लिखने लगी तो उनको बिल्कुल सब कुछ याद आता रहा, जबकि बहुत टाइम हो गया था उनसे मिले हुए दास साहब से। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का, ठीक है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी आपको पता होना चाहिए, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। तो वो यही कह रही हैं कि जब ये लोग यहाँ से हटे सारे भाई बहन, तो सब लोगों ने उन पर ध्यान दिया, ठीक है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जताए जाते हैं कि जो उम्र में लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ आपको खाना वगैरह बनाना और अलग अलग प्रकार के गृहिणी के कार्य सिखाए जाते हैं, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। पिताजी क्या कहते थे कि तुम रसोई से दूर रहो, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि क्यों ऐसा था, है ना, क्या सोचते थे वो। रसोई को वो क्या कहते थे, भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की, ये आपको याद रखना है कि भटियार खाना क्या है, और उनके पिताजी भटियार खाना क्यों कहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अपनी क्षमता और प्रतिभा को हम भट्टी में झोंक देते हैं। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें जो है वो होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, सबसे प्रिय कार्य उनका बहस करना था। चाय पानी या नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। देश में भी हो कितना कुछ रहा था, वो कह रही बहुत कुछ हो रहा था उस समय तो, 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। इस समय ये 10th में भी नहीं आई थी तो इनको इतना समझ नहीं था कुछ। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। तो वही कहती है कि जो शहीद लोग होते थे, जो क्रांतिकारी लोग होते थे, उन लोगों को देखकर मुझे काफ़ी उनसे जो है आकर्षण था, कि वो काफ़ी उनके लिए मेरा मन जो है आक्रांत रहता था। वो खुश रहती थी उनको देखने में, उनको अच्छा लगता था उनके बारे में, उनको देखना, उनके बारे में सुनना। 10वीं कक्षा तक आलम दुनिया, मतलब उनका समय इस प्रकार का था। बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए मैं किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, से परिचय हुआ। अब यहाँ पे इनका ये भी याद रख लो, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जैसे मैंने जहाँ मैंने कखरा सीखा, एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया, तो इनको इन्होंने ही साहित्य जो है लेखन की दुनिया में प्रवेश कराया है, और साथ ही साथ में उसी साल जो उनका स्कूल बना था उसी साल जो ये नियुक्त हुई थी शीला अग्रवाल, ठीक है। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, अभी देखो क्या क्या हुआ, पहले वो सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन अब शीला अग्रवाल ने चुनाव करके, यानी कि तुम चूज़ करो उस अकॉर्डिंग फिर पढ़ो, ठीक है, उसमें चेंज किया। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई, और फिर तो फैलते ही चली गई। तो आपको याद रखना इन्होंने किसकी क्या पढ़ी थी, देखो लिख लो, मैं बोल रही हूँ इतना मत, मतलब इतने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही तो वहीं पेज के ऊपर लिख लो, मैंने भी लिखा हुआ था ऐसे ही, यहाँ पे पेज के ऊपर लिख लो, यहीं पर यहाँ जगह है ना, यहाँ पर इस यहाँ पर जगह जो है यहाँ पर लिख दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कहाँ कहाँ चले गए, हाँ यहाँ जो जगह है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, मैं तुम्हें बताती हूँ, लिखो जैनेन्द्र डैश करके लिख लो सुनीता उपन्यास और कॉमा त्यागपत्र, फिर अज्ञेय लिख लो शेखर एक जीवनी उपन्यास, और थोड़ा गैप करके आगे लिखो नदी के द्वीप, और उस तरफ एरो हेड करके 2 times लिख दो, 2 बार पढ़ी है उन्होंने, ठीक है, और एक जगह लिख दो भगवती बाबू चित्रलेखा, अब यही इसमें बताया हुआ है, तो इस तरह से लिख लो ताकि तुमको अच्छे से याद हो जाए कि उन्होंने किस प्रकार की किताबें जो है पढ़ी हैं।
ये हमने पढ़ लिया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखो, शरद प्रेमचंद से अज्ञा बहुदेश चली गई, उस समय जैनेन्द्र की छोटी छोटी सरल सहज वाक्य वाली शैली ने मुझे आकर्षित किया था, आकर्षित यानी आकर्षित। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञा का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय में गहरी समझ किसी में दायरे में समा नहीं पाया, वो समझ नहीं पाई उस समय उसको। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसके मन को इस कदर बांधा कि इस झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। ठीक है, इस बार बहुत समझ के साथ, मैंने पहले बता दिया कि इस प्रकार से इसे लिख के याद रख लेना है। ठीक है, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। हम जानते हैं उस टाइम पे सती और अलग अलग तरह की प्रथाएं जो थी, जो नैतिक अनैतिक, इन चीज़ों पर डिस्कशन बहुत उस समय होता था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। ठीक है, तो ये सब उन्होंने पढ़ा है। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, पहले पिताजी आए थे ना, उन्होंने वो सब सिलसिला शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों को सक्रिय भागीदारी में बदला। तो पहले वो सिर्फ सुनती थी, कुछ करती नहीं थी, लेकिन एक्शन और पार्टिसिपेशन की जब बात आई तो वो उसमें उनको शीला अग्रवाल ने फोर्स किया कि वो इस प्रकार से भी करें। 47-46 की बात है, वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर बैठना बैठे रहना संभव था भला, तो कह रही कि घर मेरे लिए घर में बैठे रहना संभव ही नहीं था, क्योंकि क्या क्या हो रहा था देखो उस समय, प्रभात फेरियाँ सुबह सुबह जो लोग जुलूस वगैरह निकालते हैं, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था, ये सब कुछ चल रहा था, हर एक शहर में ये सब चीज़ें चल रही थी, और पूरे धमकम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद, हर युवा का इंटरेस्ट था कि वो इन सब चीज़ों में जुड़े। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, जो खून बह रहा था वो लावा बन चुका था, लावा, हॉट लावा जो हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक मेरे घर में। इस पूरे पैरे को पढ़ लेती हूँ क्योंकि फिर सब देखते हैं जहाँ तक स्टोरी जाएगी वहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, पिताजी की आज़ादी की सीमा यही थी कि उनकी, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं इसको, फिर आगे आपका कंटेंट आगे घर में तक। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसके आगे का जो कंटेंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिले पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा ना रहे, आगे जो है हमें पेज नंबर 97 पढ़ना है, 98 और 99, आई थिंक 99 और 100 भी, अभी पेज नंबर 100 तक पहुँच जाएंगे हम, 100। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट, हर बार बोलती हूँ, हर बार इग्नोर नहीं, ठीक है, इस बार करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट में, और कोई मॉडिफिकेशन के लिए कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।